बीजेपी के एक और से सीनियर मोस्ट लीडर हैं, बंगाल के दौरे में लगातार हैं, किस तरह से लगता है क्या इस बार अब सुनार बांग्ला में बीजेपी परिवर्तन के लहर आपको दिख रहा है? बंगाल में इस बार परिवर्तन होगा? हाँ, बंगाल में इस बार जो राजनीतिक माहौल है ये स्पष्ट संकेत देती है, आने वाले चुनाव की नतीजा जब आएगा बंगाल में सत्ता परिवर्तन निश्चित रूप में होगा। बंगाल हमारी देश की एक प्रमुख राज्य है। बंगाल आजादी के पहले और आजादी के बाद देश की सामाजिक, अर्थनैतिक और राजनीतिक मुख्य धारा में एक नंबर राज्य होता था। बाद में लंबे समय वामवादियों के शासन और बाद में पिछले 10 साल से तृणमूल के शासन के कारण यहां लोगों के मन में अपेक्षा, निराशा में परिवर्तन हो चुकी है। लोग उसमें परिवर्तन चाहते हैं। पूर्वी भारत के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना ध्यान दिया है, यहाँ की नेचुरल कैलामिटी के समय में हो या स्वाभाविक विकास के बारे में हो, भारत सरकार की योजनाओं की पहला हिस्सा बंगाल और पूर्वी भारत को मिलता है। इसी विश्वास के कारण लोग एक विकल्प आज उनको मिला है भारतीय जनता पार्टी के नाम पे, यहाँ सत्ता परिवर्तन होगा। डबल इंजन की सरकार जो कल्पना की गई है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है दिल्ली में और कोलकाता में अगर एक ही व्यवस्था की सरकार होगी तो बंगाल की विकास होगी, नौजवानों की रोजगार, यहाँ की कृषि की विकास, शिल्प में फिर विकास, रोजगार की बढ़ोतरी, ये सारे विषय हो पाएगा। जिस तरह से आप दौरे में आप देख रहे हैं, इस बार नंदीग्राम बहुत हाई वोल्टेज एक एरिया के तौर पे देखा गया है, आप भी वहां पे कल मौजूद थे शुभेंदु अधिकारी के साथ, ममता बनर्जी भी कुछ दिन पहले गई वहां पे, उनको एक चोट लगी है, उसके बाद जिस तरह से जो भी खबरें आ रही हैं, किस तरह से देखते हैं और क्या कहना? देखो, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी का विजय होना सुनिश्चित है। ठीक है, चुनाव में कोई ना कोई तो किसी के साथ लड़ते हैं और प्रतिद्वंदिता होता है, ऐसे प्रतिद्वंदिता को हम स्वागत भी करते हैं, लेकिन मेरा जो समझ है, मैं लंबे समय से नंदीग्राम से भी जुड़ा हूं, आते रहता हूं, जब नंदीग्राम में वामवादियों की शासन में अत्याचार हुई थी तब भी मैं उस इलाका में दौरा किया था और बाद में भी गया हूं। अभी पिछले दिनों में मैं हल्दिया में काफी समय भी बिताया। जो मेरा समझ है, नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित है। सर, सबसे बड़ा अगर बंगाल में देखा जाए, अपोजिशन पार्टी एक मुद्दा जो है सबसे सबके बीच में लाके उसको बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, वो है तेल का दाम और गैस का दाम। मंत्री होने के नाते क्या कहना चाहेंगे, और अपोजिशन जो इस मुद्दे को लेके सबके बीच में आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल की प्रमुख मुद्दा यहाँ की बेरोजगारी है, यहाँ की दुर्नीति है, यहाँ की विकास नहीं होना, ये सब मुद्दे हैं। यहाँ ये विषय में निश्चित रूप में एक चर्चा चली है। अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की भाव बढ़ने के कारण भारत की बाजार में भी तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस की दामों में इंक्रीज हुई है। ये सामूहिक है, ये टेम्पररी है। उत्पादनकारी देशों के ऊपर हम दबाव डाल रहे हैं, विश्व की उपभोक्ताकारी देश, कंज्यूमिंग कंट्री की हितों को भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो और रास्ता ढूंढा जाएगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं धीरे धीरे वहां परिवर्तन भी होगा, मूल्यों में थोड़ा कटौती भी होगी। दूसरा एक आलोचना हमारी हम पे होती है, उसको हम छुपाना भी नहीं चाहते हैं, राज्य और केंद्र दोनों टैक्स पेट्रोल डीजल से लेते हैं, ये बात सही है। कोरोना के उपरांत जिस प्रकार के विकास के काम की आवश्यकता है, अर्थनीति को पटरी में लाने के लिए जो जरूरत है, आखिर भारत सरकार राज्यों को पैसा देनी है, बंगाल जैसे राज्यों को भी पैसा देनी है, हिस्सेदारी देनी है। उसकी अलावा जो कोरोना महामारी में हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, बड़े बड़े प्रकल्प, 2020-21 की भारत सरकार की विकास के कामों में खर्चा और 21-22 की जो बजट अभी बनी है उसमें 34% की इंक्रीज किया गया है। ये रिसोर्स हमें टैक्स से ही मिलती है, इसलिए हम कुछ विकास, आफ्टरऑल गरीब लोगों को रोजगार देना चाहिए कि नहीं चाहिए, उनको कोरोना की टीका लगेगी नहीं लगेगी, विश्व की सबसे बड़ा टीकाकरण के अभियान भारत चला रही है, केंद्र सरकार की ओर से चल रही है, ये सारे के लिए रिसोर्स चाहिए। जनता को इस विषय को हम समझा रहे,
अभी तेल की प्राइस सामूहिक है, बढ़ना ये धीरे धीरे घट भी जाएगा। सर खेला होबे एक सबसे बड़ा नारा अगर देखे तो बंगाल में गूंजती नजर आ रही है, टीएमसी की ओर से कहा जाता है कि खेला होबे, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए हम उसमें तो उल्टा कहते हैं, असल परिवर्तन इस बार होगा। बंगाल की नौजवान विशेष करके कमिटेड है, बंगाल की महिला कमिटेड है, बंगाल की किसान, बंगाल की मजदूर, बंगाल की आदिवासी और वंचित वर्ग के लोग एकजुट हैं। इस बार एक नई व्यवस्था लाएंगे, डबल इंजन की सरकार लाएंगे, असल परिवर्तन होके ही रहेगा। आज यशवंत सिन्हा जो बीजेपी के बहुत पूर्व से चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, बहुत बड़े बड़े जिम्मेदारी में रह चुके हैं, वो आज तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, क्या कहना चाहिए? बंगाल में उसकी कुछ फर्क आएगी क्या? और मौका परस्तों के बारे में कम कहना उचित है। उन्होंने भी कहा है कि बंगाल में जो है डेवलपमेंट दीदी ने डेवलपमेंट किया है, केंद्र सरकार की ओर से नहीं हुआ है, बहुत सारे आरोप केंद्र सरकार के ऊपर उन्होंने लगाया है। देखिए यशवंत सिन्हा साहब की उम्र हो गई है, शायद उनको हिसाब किताब ठीक से आता ही नहीं होगा कि इन दिनों में, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, पिछले आजादी के उपरांत अटल जी की सरकार और मोदी जी की सरकार दोनों की कार्यकाल को मिलाए तो पूर्वी भारत को जितना महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मोदी जी ने लिया है, अटल जी ने लिया था, किसी ने नहीं लिया था। इसलिए अभी केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है, केंद्र सरकार यहां गरीबों की चिकित्सा के लिए आयुष्मान भारत योजना लगाना चाहती है, बंगाल की सरकार लगाना नहीं चाहती है। किसान सम्मान निधि प्रति किसान के परिवार को 6000 रुपया सालाना हमने देने की योजना बनाई, देश भर के किसानों को गया, बंगाल सरकार ने यहाँ के किसानों को लाने नहीं दिया। और हमने वादा किया है बीजेपी की सरकार बनेगी, सरकार बनने के उपरांत पहला निर्णय पिछले दो साल की बकाया के साथ इस साल की पैसा 18000 रुपया प्रति किसान के परिवार को बैंक खाता में सीधा पहुंचा दिया जाएगा, बिना कटमनी के पहुंचा दिया जाएगा, यह हमारी जिम्मेवारी है। इस बार 200 पार का नारा बीजेपी ने लगाया है, बंगाल के हर क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या लगता है 200 पार हो जाएगा? निश्चित रूप में जो पार्टी ने योजना बनाई, जिस प्रकार की बंगाल की लोगों में, जनता में हमें पूरा विश्वास है, उनके मन में परिवर्तन की जो एक कमिटमेंट है, जो लक्षण दिख रहा है, वो पूरा पार हो जाएगा। देखिए बंगाल में फिर कहूंगा, देश की एक नंबर राज्य है आजादी के पहले और आजादी के उपरांत, इसको नई ऊंचाई तक मोदी जी की शासन की व्यवस्था के अंदर हम उसको लेके जाएंगे, यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है, उसको बंगाल की जनता की आशीर्वाद चाहिए। सर एक लास्ट सवाल, बहिरागतो जो आउटसाइडर का एक टैग लगा के रखा हुआ है, बीजेपी के कोई भी अगर लीडर्स आते हैं, टॉप सीनियर लीडर या कोई भी, तो टीएमसी कहती है कि वो आउटसाइडर है, बंगाल की नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने यशवंत सिन्हा जी को ले आया। क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहिरागत थे? क्या दिलीप घोष बहिरागत हैं? तो जिनके पास मुद्दा नहीं रहता इस प्रकार की चीजों को उत्तर दे, तो आज बताए वो यशवंत सिन्हा कहां के हैं?